प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने नफीस अहमद को हिरासत में ले लिया है। नफीस अहमद अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। हत्याकांड में अतीक अहमद के करीबी बिरयानी शॉप संचालक की भूमिका की भी पुलिस जांच कर रही है। घटना में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ था वो बिरयानी शॉप संचालक नफीस अहमद की थी। नफीस का कहना है कि कुछ महीने पहले ही उसने इसे रुखसार नाम की एक महिला को बेच दिया था। नफीस CAA और NRC के आंदोलन में धरने पर बैठी महिलाओं को बिरयानी बांटकर भी सुर्खियों में आया था। हत्या से पहले धूमनगंज में उमेश पाल के घर के आसपास की रेकी करने के लिए भी इसी कार का प्रयोग किया गया था। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार को अतीक के घर के पीछे वाली गली से बरामद कर लिया था। जांच में सामने आया कि कार में गलत नंबर प्लेट लगाई गई थी, लेकिन चेचिस और इंजन नंबर के आधार पर RTO से जानकारी मांगी गई तो निसार की बीवी रुखसार के नाम पंजीकृत पाई गई। उमेश पाल की हत्या में सफेद रंग की क्रेटा कार का प्रयोग किया गया था। इसी कार को चला रहे अरबाज को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हत्या में प्रयुक्त कार पुलिस ने चकिया में अतीक के घर के पास से बरामद की थी। उस पर नंबर प्लेट नहीं थी। कार बरामदगी के बाद पुलिस ने इंजन और चेचिस नंबर से मालिक का पता लगाया तो अधिकारी हैरान रह गए। क्रेटा कार सिविल लाइन स्थित बिरयानी संचालक ईट ऑन के मालिक नफीस की निकली। नफीस को भी अतीक का गुर्गा माना जाता है।